प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे लेखांकन अनुपात के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेखांकन अनुपात के जो प्रकार हैं या जो वर्गीकरण लेखांकन अनुपात का किया गया है वो चार भागों में किया गया है, जिसमें लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात। तो लाभदायकता अनुपात क्या है? व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता व लाभदायकता की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस अनुपात की गणना की जाती है, जैसे कि सकल लाभ अनुपात ज्ञात करने के लिए और शुद्ध लाभ अनुपात ज्ञात करने के लिए। वहीं दूसरा जो इसका प्रकार है वो क्रियाशीलता अनुपात है। इसमें जो है व्यवसाय के जो विभिन्न संसाधन हैं वे किस कुशलता के साथ काम कर रहे हैं और उनके लाभदायकता से उनका प्रयोग किया गया है, इसकी माप के हेतु हम अनुपात की गणना करते हैं। इसमें जो है हम सकल लाभ अनुपात ज्ञात करते हैं और स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात ज्ञात करते हैं। फिर वहीं हम बात करते हैं तीसरा प्रकार जो है तरलता अनुपात। इसमें जो है दायित्वों के भुगतान करने की जो क्षमता है, एक उपक्रम की जो अल्पकालीन भुगतानों के भुगतान करने की जो क्षमता है, जो लाइबिलिटीज हैं, वो किस प्रकार की है, इसके लिए जो है हम तरलता अनुपात की गणना करते हैं। इसमें जो है हम चालू अनुपात की गणना करते हैं और तरल अनुपात की गणना करते हैं। वहीं जो चौथा है शोधन क्षमता अनुपात, इसमें जो है दीर्घकालीन दायित्वों के भुगतान के लिए और बाहरी दायित्वों के भुगतान करने की जो है क्षमता की माप हेतु इस अनुपात की गणना की जाती है, जैसे शोधन क्षमता अनुपात, जो भुगतान क्षमता अनुपात है वो, ऋण क्षमता अनुपात आदि। तो इस प्रकार से जो लेखांकन अनुपात को जो है चार भागों में बांटा गया है, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात। अब हम बात करते हैं लाभदायकता अनुपात की, जिसका प्रथम है लाभदायकता अनुपात। तो व्यवसाय का जो स्वामी है अपनी विनियोजित पूंजी पर निश्चित अनुपात में आय की अपेक्षा लाभ से करता है। प्रत्येक व्यवसायी जो भी अपने व्यवसाय में उद्यम में जो भी अपनी पूंजी लगाता है तो एक निश्चित अनुपात में आय के रूप में लाभ की अपेक्षा करता है। वो लेनदार जो है अपने ऋणों की सुरक्षा की जांच करते हैं। वहीं कर्मचारी अपने वेतन व बोनस में वृद्धि हेतु लाभदायकता पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर जो विनियोजित पूंजी है एक व्यवसाय की, उससे वो एक निश्चित अनुपात में आय की अपेक्षा ये अपेक्षा रखता है कि वो लाभ प्राप्त करे, साथ ही जो उसके ऋणों की सुरक्षा है वो प्रॉपरली बनी रहे। वहीं जो उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी जो हैं वो भी एक संस्था के एक फर्म की लाभदायकता क्षमता पर जो है वो उनका वेतन और बोनस टिका होता है। अब यहाँ पर जो है हम लाभदायकता अनुपात जो है बिक्री के आधार पर जब हम ज्ञात करते हैं तो ये अनुपात जो है सकल लाभ व संचालन से आय शुद्ध विक्रय के मध्य संबंध स्थापित करता है। यहाँ जो है सकल लाभ व संचालन से जो आय है शुद्ध विक्रय के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है। ये अनुपात संचालन से आय शुद्ध बिक्री पर कुल लाभ को प्रदर्शित करता है। इसके लिए जो सूत्र है वो है सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे विक्रय, तो यहाँ पर जो है इनटू 100। तो इसके माध्यम से जो है सूत्र के माध्यम से हम सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे विक्रय, कुल विक्रय जो है इनटू 100 के माध्यम से जो है बिक्री के आधार पर जो है लाभदायकता अनुपात की गणना करते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक हम प्रश्न देखते हैं कि निम्न सूचनाओं के आधार पर जो है सकल लाभ अनुपात की हमें गणना करना है। इसमें संचालन से आय 24 लाख रुपए और सकल लाभ जो है वो 7,20,000 रुपये। तो ये संचालन से जो आय है ये क्या है? बिक्री है, एक प्रकार की बिक्री। तो सूत्र जो हमारा था सकल लाभ बराबर सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे संचालन से आय इंटू 100 या विक्रय। तो यहां 7,20,000 जो है सकल लाभ है बटे 24 लाख जो है संचालन से आय अर्थात विक्रय जो है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो ये जो है 30% ये क्या आया सकल लाभ अनुपात का रेटियो। वहीं दूसरा सवाल जो है संचालन से आय की लागत दी है 9,50,000 और संचालन से आय जो दी है वो 12,50,000।
हजार। अब यहां पर जो है चूंकि सकल लाभ नहीं दिया हुआ है, सूत्र कहता है कि सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे संचालन से आय या विक्रय इंटू 100। अब यहां पर इस सवाल में जो है संचालन से आय की लागत दी है, संचालन से आय दी है, लेकिन यहां पर सकल लाभ नहीं दिया, तो इसका जो सूत्र है सकल लाभ बराबर बिक्री से आय माइनस लागत, संचालन से आय की लागत। तो ये यहां पर जो है संचालन बिक्री से जो आय है, संचालन से आय मतलब ये क्या हो गई बिक्री, बिक्री कितनी है 12,50,000, तो 12,50,000 माइनस 9,50,000, तो ये आय क्या सकल लाभ बराबर क्या आया है 3,00,000 रुपए सकल लाभ, सकल लाभ यह आया 3,00,000 रुपए। तो यहां पर हमें अब सकल लाभ प्राप्त हो गया, तो सकल लाभ का अनुपात जो है सकल लाभ अनुपात बराबर 3,00,000 बटे 12,50,000 इंटू 100 बराबर ये 24%। तो सकल लाभ अनुपात जो है हमारे पास वो कितना आ गया 24%। अब इसी से एक और सवाल जो है निम्न सूचना के आधार पर सकल लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए, सूत्र भाई सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे कुल विक्रय इंटू 100। अब यहां पर जो है संचालन से आय का 20% है, यहां संचालन से आय तो दी है मतलब बिक्री दी है, लेकिन यहां भी सकल लाभ नहीं दिया है, तो सकल लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे सकल लाभ बराबर 20% बिक्री का, तो बिक्री हमारी कितनी है 2,00,000 है और 2,00,000 का 20%, तो ये क्या आया 40,000 जो है ये क्या आया सकल लाभ आया, सकल लाभ। तो यहां पर सकल लाभ अनुपात बराबर ये 40,000 आ गया 40,000 बटे 2,00,000 इंटू 100, तो ये आ गया 20%। इस प्रकार से हम ये सकल लाभ अनुपात की गणना करेंगे। सकल लाभ अनुपात का महत्व देखें क्या है, सकल लाभ अनुपात जो है व्यवसाय की आय अर्जित करने की क्षमता को बताता है, सकल लाभ अनुपात में वृद्धि होना मतलब उत्पादन लागत में कमी को दर्शाता है, अर्थात सकल लाभ अनुपात में यदि वृद्धि हो रही है इसका मतलब है कि जो हमारी प्रोडक्शन कास्ट है वो क्या हो रही है कम है, वहीं यदि उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तो क्या होता है सकल लाभ अनुपात में कमी और विक्रय मूल्य के घटने का सूचक होता है। यदि हमारी प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या है हमारी बिक्री घटेगी और वहीं जो हमारा सकल लाभ का अनुपात वो भी कम होगा। तो सामान्यतः सकल लाभ अनुपात जो है जितना अधिक होगा उतना ही व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाएगा, आशय सकल लाभ अनुपात यदि बेहतर है तो इसका मतलब क्या है हमारी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो कम है और विक्रय मूल्य जो है हमारा बेहतर है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अनुपात के अधिक होने के कारण यदि सकल लाभ अनुपात जो है हमारा बेहतर है तो उसके पीछे कारण क्या है विक्रय मूल्य में वृद्धि, मतलब विक्रय मूल्य जो है हमारा बढ़ा हुआ है लेकिन बेचे गए माल की लागत जो है स्थिर रहती है, मतलब हमारा जो विक्रय मूल्य है वो बेहतर है ज्यादा है लेकिन जो बेचे गए माल की कास्ट है वो क्या है कम है, तो कास्ट कम है बेचे गए माल की और विक्रय मूल्य हमें अच्छा प्राप्त हो रहा है इसका मतलब क्या है विक्रय मूल्य में वृद्धि है, वहीं विक्रय मूल्य स्थिर लेकिन बेचे गए माल की लागत में कमी। अब यदि विक्रय मूल्य स्थिर है तो इस और इस स्थिति में यदि बेचे गए माल की लागत में कमी है तो इसका मतलब क्या है हमें सकल लाभ अनुपात हमारा बेहतर होगा। वहीं तीसरा प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यदि कम है तो इसका मतलब हमारा सकल लाभ अनुपात जो है वो बेहतर रहेगा। अब वहीं सकल लाभ अनुपात के जो कम होने के कारण है वो क्या हो जैसे कि परचेजिंग अधिक हो क्रय अधिक हो, अब मूल्य वृद्धि तो हो और साथ ही मूल्य विक्रय मूल्य में कमी परंतु उत्पादन लागत में जो है आनुपातिक कमी का ना होना और वहीं उत्पादन लागत में वृद्धि, तो यदि उत्पादन लागत में वृद्धि होगी क्रय अधिक होगा मूल्य वृद्धि ज़्यादा होगी तो इस स्थिति में जो है हमारा सकल लाभ अनुपात जो है वो क्या होगा कम होगा। तो ये जो महत्व है सकल लाभ अनुपात का, इसके बाद जो दूसरा बिंदु इसमें है शुद्ध लाभ अनुपात, जिस प्रकार से हम सकल लाभ अनुपात ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर शुद्ध लाभ अनुपात करते हैं ज्ञात,
ये संचालन से आय शुद्ध विक्रय के मध्य संबंध स्थापित करता है, जिसका सूत्र जो है यहाँ पर है शुद्ध लाभ बटे शुद्ध विक्रय। यहाँ शुद्ध लाभ से आशय जो है वो करों के पश्चात शुद्ध लाभ से होता है। सारे टैक्सेस वगैरह चुकाने के बाद, सारा एक्सपेंडिचर चुकाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। यदि शुद्ध लाभ स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया तो इसकी गणना करने के लिए हम सकल लाभ में से प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय और वित्तीय व्ययों को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए यदि सकल लाभ दिया हुआ है तो सकल लाभ में से फिर हम जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, सेल्स है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उससे हमें शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है। अब यदि गैर संचालन व्यय जो संचालन से जुड़े नहीं हुए हैं, वह गैर संचालन आय भी दी गई है, तो इस दशा में शुद्ध संचालन लाभ अनुपात की गणना की जानी चाहिए। अब यहाँ पर जो सूत्र है, संचालन से प्राप्त शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ बटे शुद्ध विक्रय इंटू, यहाँ हमें शुद्ध लाभ की गणना करना है। तो शुद्ध लाभ दिया हुआ है 20,000 और संचालन से आय जो शुद्ध बिक्री है वो कितनी की है, 80,000 रुपये की है। तो जो नेट सेल्स है हमारी वो 80,000 है और जो नेट प्रॉफिट है वो 20,000। तो सूत्र जो है शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई शुद्ध बिक्री। तो ये 20,000 रुपये जो है हमारी आपके शुद्ध लाभ है और बटे 80,000 जो है शुद्ध बिक्री है इंटू 100। तो यहाँ पर ये 25% जो है ये शुद्ध लाभ अनुपात है, शुद्ध लाभ अनुपात बराबर 25%। अब इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न है, लेखांकन अनुपात के जो है हमें विभिन्न प्रकारों को समझाइए, लाभदायकता अनुपात से क्या आशय है स्पष्ट कीजिए, फिर लाभदायकता अनुपात जो है बिक्री के संबंध में के आधार पर सकल लाभ अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है समझाइए, और अंतिम में शुद्ध लाभ अनुपात से आशय स्पष्ट कीजिए, वह इसे कैसे ज्ञात किया जाता है समझाइए।